हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे, उन शेयरों के बारे में बात करेंगे एक्चुअली, जो 30 रुपीज़ से कम में था या 30 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएंगे, जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र भी आते हैं। क्योंकि आपको जैसे पता है कि कम प्राइस में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली अच्छे शेयर मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। बाज़ार में आपको बहुत सारे ऐसे शेयर मिल जाएंगे जैसे आप जाएंगे ढूंढने, तो जो 30 रुपीज़, 10 रुपीज़, 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, इस कैटेगरी के शेयर मिल जाएंगे। और पब्लिक उनकी तरफ भागती भी है, अट्रैक्ट भी होती है, क्योंकि कम प्राइस में होता है और काफ़ी सारे उनकी क्वांटिटी आ जाती है, तो पब्लिक अट्रैक्ट होती है। बट वो फाइंड आउट नहीं कर पाती कि वो शेयर अच्छे भी है या नहीं। बेशक से आप 1 रुपये लगा रहे हो शेयर में या 1 लाख रुपये लगा रहे हो, मैटर नहीं करता। बट आपका मैटर करता है कि वो 1 से आप 2 रुपये कमाओगे या 1 लाख रुपये से आप 0 हो जाओगे, तो वो चीज़ मैटर करती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ शेयर की बात करेंगे जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग भी नज़र आते हैं। तो आइए हम उस शेयर से बारे में बात करते हैं। बट बिफोर गोइंग आई, फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हम मैंने पिछले कल भी 2 वीडियो आईएनओएक्स और पीवीआर के ऊपर और एफएमसीजी सेक्टर की जो शेयर बेस्ट शेयर है उनके ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आइए आइए हम पहले बात कर लेते हैं अपनी वीडियो में पहले शेयर की तरफ। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड, इस शेयर की कीमत केवल 6 रुपये 80 पैसे हैं और आज 0.10 की आपको जंप दिखाई दे रही है, 1.49% की जंप में यहाँ पर जंप दिखाई दे रही है। शेयर 1.49% बड़ा है बट दिखाई दे रहा है कि 0.10% की जंप है, क्योंकि शेयर की कीमत भी केवल 6.8 रुपीज़ की है, ज़्यादा नहीं है। तो हम आइए देखते हैं आज इसका परफॉर्मेंस। देखिए काफ़ी वॉलेटाइल शेयर है, नो डाउट काफ़ी वॉलेटाइल शेयर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 डेज की परफॉर्मेंस, 1 मंथ की परफॉर्मेंस, 6 मंथ की परफॉर्मेंस। 6 मंथ की परफॉर्मेंस एक बार देखते हैं, क्योंकि कोरोना 24-23 मार्च को काफ़ी मार्केट गिरा था। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 20 फरवरी को ये 6 रुपये 25 पैसे पे चल रहा था, बट कोरोना आया तो कोरोना की वजह से शेयर गिरा और 3 रुपये 30 पैसे पे ये शेयर लगभग आपको 23 मार्च को मिल रहा था। बट आज आप देखिए विद इन 3 to 4 मंथ्स इसने स्केल पकड़ा है, इसने जंप लगाई और आज ये लगभग ये दुगने पर 100% का रिटर्न देके आपको बैठा हुआ है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 106.1% का इसने रिटर्न विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको ये प्रोवाइड किया है। तो काफ़ी अच्छा शेयर है ये। शेयर में का एक पहले ये 60-70 में चलता था, बट अब इनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर को स्प्लिट किया, तो इस वजह से आपको ये 6 रुपये 80 पैसे इसके आसपास आपको दिखाई दे रहा है ये शेयर। तो आप इसकी तरफ नज़र बना सकते हैं, ओके, और इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये शेयर की कीमत भी कम है, तो आप ज़्यादा ललायित हो के कि 6 रुपये में अच्छा शेयर मिल रहा है तो हम खरीद ले, ज़्यादा खरीद ले, तो ऐसा कुछ नहीं। केवल 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ जितना आपको लॉस होगा हो भी तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, इतना ही रुपये इसमें लगाइए। अगर फ्यूचर में अच्छा खासा ये बढ़ गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वहीं से हो जाएगा, और फिर आगे हम इस पे वीडियो भी बनाते रहेंगे। अगर अच्छा खासा कुछ हुआ तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट और हो सकता है। तो आइए आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 50 वीक लो 24 मार्च को ये 3 रुपये 5 पैसे पे मिल रहा था, और ये 52 वीक हाई आप देख लीजिए तो 16 दिसंबर 2019 को 8 रुपये 40 पैसे। और यहाँ पर देखिए आप 46.38% की आज ही डिलीवरी उठाई गई है, मतलब लोग कितना इस शेयर को परचेज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो कंपनी, जो इनके प्रमोटर्स हैं, इनके पास 71.07% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 28.93% की। तो सबसे अच्छी बात है ये कि कोई भी शेयर इनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर, एक बेशक से 6 रुपये का शेयर है बट उन्होंने कोई भी गिरवी इस पे नहीं रखा हुआ है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये शेयर 2019 में एक बार स्प्लिट भी हुआ था, द फेस वैल्यू 10 रुपये से 1 रुपये हो गई थी, तो इस वजह से ये 60 रुपये का जो शेयर था ये 6 रुपये पे आते हुए आपको दिखाई दे रहा है, वरना इसकी कीमत 60-70 पे चलता था। और डिविडेंड के मामले में देख लीजिए, क्या डिविडेंड 90 पैसे का, 90 पैसे का, 18 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड ये आपको देता आया है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी फंडामेंटली अच्छी नज़र आती है।
तो इसकी तरफ आप नज़र बना सकते हैं, ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी का नाम है। दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं तो रेल विकास निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी है। देख लीजिए यहाँ पर रेल विकास निगम लिमिटेड इज एन ऑर्गेनाइज एसोसिएटेड विद इंडियन रेलवे हुज टास्क इज टू बिल्ड इंजीनियरिंग वर्क रिक्वायर्ड बाय इंडियन रेलवे। तो ये जैसे कि रेल विकास, तो रेल का ही नाम आ रहा है इसमें, तो जो इंजीनियरिंग का काम जो हमारी रेलवे में होता है मोस्टली टेंडर छोटे मोटे इस कंपनी के पास जाते हैं। और काफ़ी अच्छी कंपनी है नज़र आती है। तो एक दिन का परफॉर्मेंस देख लीजिए, आज 0.20 की जंप है, मतलब एक 1.01% की जंप दिखाई गई है। कोरोना की बात कर लेते हैं, कोरोना से पहले ये शेयर 23 रुपीज़ का चलता था, कोरोना आया तो ये 10 रुपये के आसपास ये ट्रेड करने लग गया, और आज देख लीजिए लगभग लगभग इसने भी 100% के रिटर्न आपको प्रोवाइड किए, 80-81% के रिटर्न आपके सामने शो कर रहा है। मैक्सिमम बात कर लेते हैं तो ये शेयर कभी 30 रुपीज़ में भी चलता था, आज के परफॉर्मेंस की एक बार बात कर लेते हैं, देख लेते तो 52 वीक लो 10 रुपये का ये शेयर 24 मार्च को मिल रहा था, और 52 वीक हाई 30 जनवरी 2020 को ये 29 रुपये का शेयर, लगभग 30 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज 20 रुपये में मिल रहा है। 20 रुपये में ये शेयर आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप देखिए आप इस पे नज़र लगा सकते हैं, फ्यूचर में कुछ अच्छा हुआ तो आप इसमें अच्छा कुछ गेन कर सकते हैं। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी नज़र आती है, आज ही देखिए 53.97% की यहाँ डिलीवरीज उठाई गई है। इसके अलावा कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो 87.84% इसके जो शेयर्स है वो प्रमोटर्स के पास है, और प्रमोटर्स डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट ही होगी। पब्लिक के पास 12.16% के रिटर्न है, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि कोई भी इनके इन शेयर होल्डर ने प्लेज नहीं किया है, कोई भी गिरवी नहीं रखा है। डिविडेंड 6 सितंबर 2019 को 0.09 पर शेयर रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दिया था। तो कंपनी 20 रुपये में आपको मिल रही है, तो आप एक बार इसकी तरफ नज़र बना सकते हैं, ओके, क्योंकि ये इसको टेंडर रेलवे की तरफ से इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिलते रहते हैं। और कुछ फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 20 रुपये का शेयर देख के ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, केवल देखे, वॉच लिस्ट में रखे, और चाहे तो 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये तक आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हैं, कि अगर कल को ये शेयर कम भी हो जाए तो आपके कोई फर्क ना पड़े। आइए हम एक और दूसरे शेयर की बात कर लेते हैं, वक्रांगी लिमिटेड। ये सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, वक्रांगी लिमिटेड, ओके, अभी 0.050 मतलब 0.16% की इस यहाँ पर गिरावट दिखाई गई है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, काफ़ी वॉलेटाइल है ये। इसके अलावा हमें आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, 2018 में 25 जून 2018 में जैसे आप देख रहे हैं 505 रुपये का शेयर हुआ करता था, ओके, बट आज की डेट में ये 30 रुपये 65 पैसे का शेयर आपको दिखाई दे रहा है, 30 रुपये के आसपास ये शेयर दिखाई दे रहा है, और कभी ये 505 रुपये मतलब 500 के अबाउट ये शेयर दिखाई दे रहा था। तो ये शेयर काफ़ी गिरा है, इसके पीछे की वजह है, मैं आपको सीधे न्यूज़ पर ले जाना चाहता हूँ एक बार, कि वक्रांगी गेट्स क्लीन चिट फ्रॉम सेबी इन ट्रेडिंग मैनिपुलेशन केस। तो 2018 में इसके ऊपर ट्रेडिंग मैनिपुलेशन का केस हुआ था, जिसकी वजह से ये शेयर जो आपको दिखाई दे रहा है 500 जो इसका पर 500 से आके सीधे ये 30 रुपये पे आपको शो कर रहा है, और 500 रुपये का शेयर 30 रुपये पे आके गिर के काफ़ी गिरता चला गया, जैसे कि आप यहाँ पर गिरावट साफ नज़र आ रही है, यहाँ पर गिरता गिरता गिरता। बट यहाँ पर न्यूज़ को ध्यान से देखिए थोड़ा, तो वक्रांगी गेट्स क्लीन चिट, मतलब जो सेबी जैसे बैंकिंग का बैंक का आरबीआई होता है, तो इसी तरीके से मार्केट का सेबी रेगुलेटर होता है, जो इस पे ध्यान रखता है कि शेयर्स बाजार में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। तो जैसे कि न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं, मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज़ गिवन अ क्लीन चिट इन अ रिसेंट कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन इनटू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन एंटिटीज इन द स्क्रिप्ट ऑफ वकरांगी द मुंबई बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर एंड द वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर। तो इस कंपनी को मैनिपुलेशन का केस हुआ था, बट सेबी ने इसे क्लीन चिट दे दी है, क्लीन चिट जो 2018 में ही मिल गई थी, बट फिर भी अभी भी शेयर का प्राइस 30 के आसपास दिखाई दे रहा है। इसकी वजह ये है क्योंकि जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स है, जो यहाँ पर
आम जनता है जो शेयर लेना चाहती है वो काफ़ी फियरफुल है कि दोबारा केस खुल ना जाए, इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से यहाँ पर कोई भी ज़्यादा लोग यहाँ पर एक्टिव नज़र नहीं आते, इस वजह से ये शेयर 30 के आसपास चल रहा है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार देख लेते यहाँ पर, तो ये शेयर 52 वीक 7 अप्रैल को 17 रुपये का मिल रहा था और 52 वीक हाई इसका 55 रुपीज़ 28 जून 2020 का ही दिखा रहा है। डिलीवरीज की बात देखिए तो डिलीवरीज 62.41% की डिलीवरीज दिखाई जा रही है। और इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं तो देखिए प्रोमोटर्स के पास 42.60% की होल्डिंग है। इसके अलावा पब्लिक के पास 57.40% की होल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी शेयर प्रोमोटर्स ने गिरवी नहीं रखा है। और इसके अलावा इस कंपनी ने 2017 में 1:1 का बोनस भी दिया था और डिविडेंड भी ये कंपनी देती आई है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बट एक चीज़ और अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बैलेंस शीट वक्रांग लिमिटेड, तो देखिए किस तरीके से इसके रिजर्व्स कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1489 करोड़ के रिजर्व, फिर 2007 करोड़ के रिजर्व्स, फिर 2476 करोड़ के रिजर्व्स, और अब 2020 में 2480 करोड़ के रिजर्व्स इस कंपनी के पास है। और उससे अच्छी बात ये है कि ये इस कंपनी के पास किसी भी तरीके का कर्ज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, 0 रुपीज़ इसके ऊपर कर्ज है। पहले कर्ज हुआ करता था बट जैसे कि आप सामने देख रहे हैं 0 रुपीज़ का कर्ज, कोई भी किसी भी तरीके का इस कंपनी के पास डेट नहीं है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस की भी बात कर लेते हैं, तो देखिए पहले 593.74, फिर 1439 करोड़, और फिर उसके 1134.95 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास नज़र आ रहा है। तो काफ़ी डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स अच्छे हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस अच्छा है, बट स्टिल जो इसका प्राइस है 30 रुपीज़ नज़र आ रहा है। इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न एक ही है कि ये इसके ऊपर जो केस हुआ था जिसकी वजह से क्लीन चिट तो मिल गई बट अभी भी लोग फियरफुल है। बट फ्यूचर में शायद इस कंपनी को हम मल्टी बैगर होते हुए देख सकते हैं, दोबारा हम उसे इस रेशो पे जाके देख सकते हैं। बट इसे आप ध्यान रखिए, आप वॉच लिस्ट में रखिए, चाहे तो इसके 5-10 शेयर आप खरीद सकते हैं। बट फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि लोग फियरफुल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके सीधे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो या 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो, 500,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करके देख लो, शायद फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न ही आपको प्रोवाइड कर दे। और कंपनी अगर इस लेवल पर दोबारा पहुंच गई, 500 रुपये के लेवल पर जो यहाँ पर थी, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको फ्यूचर में हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको ये मेरा शेयर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो इसके लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आगे इस तरीके की वीडियोस लेके आते रहे आपके लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।